वेलकम टू विवेक एग्री। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर देखेंगे, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ईयर्स कौन कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम दो तो पूछा ही जाता है। यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में अभी पिछले साल जो 2022 में हुआ है उसमें लगभग दो क्वेश्चन पूछे गए थे केवल इम्पॉर्टेंट ईयर्स से, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी कैटेट के हिसाब से और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो आते हैं, 2004 से स्टार्ट करते हैं। 2004 का क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, मतलब इसका क्या है, 2004 को राइस का इंटरनेशनल ईयर बोला जाता है, राइस के लिए इंटरनेशनल ईयर। 2005 किसको डिनोट करता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। 2005 किसको डिनोट करेगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। फिर आते हैं 2006 पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिसर्टिफिकेशन। तो 2006 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिसर्टिफिकेशन। और 2007 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। तो वाटर कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते ही होंगे, दो बूंद जिंदगी की, ये तो सुने ही होंगे। फिर आते हैं 2008 पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो से रिलेटेड कौन सा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है फ्रेंड्स, अगर याद है आपको तो कमेंट कीजिए नीचे, अगर नहीं याद है तो मेरा इस पर वीडियो आ चुका है पहले ही, उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जनरल एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं 2009 पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। 2009 को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। फिर 2010 को देखते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर 2011 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब 2011 को दो इंटरनेशनल ईयर के नाम से जाना जाता है। 2012 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। 2012 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। फिर 2013 देखते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन। 2013 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन। 2014 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 2015 किसका है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल, ये पूछा गया था यूपी कैडेट के 2022 वाले एग्जाम में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल। फिर 2016 पे आते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2016 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2017 पे आते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, ये है 2017 का। 2018 पे क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये भी यूपी कैटेट में 2022 में पूछा गया था, तो इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से। फिर 2019 को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। 2019 को इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए इंटरनेशनल ईयर बोला जाता है। 2020 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 2020 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 2021 पे देखते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसे भूलिएगा मत, ये भी पूछा जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए कौन सा है इंटरनेशनल ईयर, 2021। फिर आते हैं 2022 पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये थोड़ा नाम अजीब है, आर्टिसनल क्या है फिशरीज, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर 2023 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, अभी जो 2023 आएगा उसमें मिलेट होगा, तो अब तो हमारे एग्ज़ाम में 2023 से ही रिलेटेड ज़्यादा आएगा।
और भी आएगा, लेकिन 2023 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद कर लीजिए। और जो मिलेट है वो 2018 का भी इंटरनेशनल ईयर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनके भी क्वेश्चन आसानी से हो जाए। और इससे दो क्वेश्चन तो लगभग फिक्स है, यूपी कैटेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दो क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब दो क्वेश्चन मतलब आठ नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका रैंक 200 से 100 के अंदर लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।